हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बिल्कुल नए गैजेट्स, किचन वेयर प्रोडक्ट्स, हाउस और प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ। और गर्ल्स के लिए भी मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे गैजेट्स वगैरह दिखाए हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ आपको रोज़ मिलें। और ये सारे ही प्रोडक्ट्स आपको ऑफर्स पर मिल जाएंगे और सबका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो वहाँ से ये सब खरीद भी सकते हैं। सो सबसे पहला प्रोडक्ट है टेबल टॉप मेकअप ऑर्गेनाइज़र, जिसमें आपको छोटे छोटे बॉक्स में ये दो सेट मिल जा रहे हैं। उसमें आप लिपस्टिक हो गया, चश्मा वगैरह रख सकते हो, कोई भी घर की सामान स्पेस करके रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बेड कवर हेड दिखा रही हूँ। सो ये कवर आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे जो कि आप अपने बेड के इस हिस्से पे लगा सकते हैं आगे की साइड में। और इसमें ना नेट की पॉकेट दे रखी होती है जिसमें आप बुक्स हो गया, फ़ोन्स वही रख सकते हो। 6 पीस का फूड स्टोरेज कवर आपको मिल जाएगा, बॉयलिंग करने के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें खाना आप गर्म कर सकते हो, प्लेट्स वगैरह लगा के, 3 टायर का बना हुआ होता है, तीनों हिस्से में आप प्लेट्स रख सकते हो। खाना भी गर्म रहता है, डस्ट प्रूफ रहता है। निचले के हिस्से में आप पानी वगैरह भर के इसमें बॉयल करने के लिए रख सकते हो। डबल लेयर सेल्फ आपको दिखा रही हूँ, जिसमें छोटी छोटी सी ट्रे होती हैं। बहुत ज़्यादा मजबूत होता है ये प्रोडक्ट और इसमें आप काफ़ी सारे सामानें रख सकते हो, जैसे स्पाइसेस वगैरह पैकेट्स रख सकते हो और या फिर छोटे छोटे जो पॉट्स होते हैं वो आप रख सकते हो। मेस नेट कवर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको ये डलिया मिल जाती है और ऊपर मेस नेट मिल जाती है और इसे आप फूड वगैरह को काफ़ी अच्छे से कवर करके रख सकते हो। सो साफ़ सुथरा रहता है खाना वगैरह, या फिर आपको वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह धुल के रखना है तो आप इसमें रख सकते हो। फूड स्टेनर स्पून आपको बहुत बढ़िया सा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ मिल जाएगा, जिसमें छोटे छोटे से ब्लॉक्स होते हैं और इसे आप काफ़ी अच्छे से जो बॉयलिंग वाली चीज़ें होती हैं स्टेन करके आप निकाल सकते हो। सॉस पैन आपको बहुत बढ़िया सा स्टेनलेस स्टील का मिल जाएगा, हैंडल इसमें ना वुडन का लगा हुआ होता है लकड़ी का। सो आप इसे दाल छौंका लगाने के लिए या फिर आपको सॉस वगैरह छानने के लिए काफ़ी बढ़िया सा मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं छोटा सा लेयर बना हुआ था, उससे काफ़ी अच्छे से तेल वगैरह निकल आता है। स्नैक्स प्लेट सेट आपको पूरा पूरा मिल जाएगा एंड इसमें आपको काफ़ी कलरफुल प्लेट्स मिल जाएंगी। ये बहुत मजबूत वाली प्लेट्स होती हैं, सो स्नैक्स सर्विंग के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एंटी फॉग प्रोटेक्टर दिखा रही हूँ, जो कि एकदम चश्मे टाइप का बना हुआ है। कुकिंग करने के टाइम पे आप इसे लगा सकते हो अपने फेस पे, इससे फेस भी एकदम क्लीन रहता है और जो धुआं वगैरह निकलता है वो भी आपके फेस पे नहीं लगता है। एंड गाइस, यहाँ पे मैं आपको पोर्टेबल ड्रेन बास्केट दिखा रही हूँ, जो कि आपको स्टेनलेस स्टील की मिल जाएगी। इसमें आपको 3 का सेट मिलेगा, जिससे सबसे ऊपर वाले हिस्से में आप सब्जियाँ वगैरह काट सकते हो, छील सकते हो और नीचे से आप धुल भी सकते हो। डम्पलिंग्स स्टीमिंग पेपर आपको मिल जाएगा बहुत बढ़िया सा, जिसे आप डम्पलिंग्स वगैरह बनाने के लिए इस पेपर का यूज़ कर सकते हैं और इसमें गंदा भी नहीं होता है और जो डम्पलिंग्स वगैरह होते हैं वो भी नहीं टूटते हैं। सो काफ़ी बढ़िया से आप इसे मेक कर सकते हो। और 4 कंपार्टमेंट का आपको स्पाइसेस बॉक्स मिल जाएगा, ये बॉक्स आपको विद कैप के साथ मिलेगा, हैंडल भी है जिसे आप आसानी से पकड़ सकते हो। 4 ब्लॉक्स होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट में आप अलग अलग स्पाइसेस भर के रख सकते हैं। इंसुलिन हीट मैट आपको दिखा रही हूँ, जैसे कोई भी गर्म चीज़ होती है, पॉट या कढ़ाई वगैरह, आप ये इंसुलिन मैट रख के उसके ऊपर से आराम से रख सकते हो, इससे आपके टेबल वेयर भी साफ़ रहते हैं और क्लीन भी रहते हैं। फूड सिल्वर काउंटर टॉप आपको ये मेटल की प्लेट्स सर्विंग मिल जाएगी, बहुत बढ़िया सी बनी हुई होती है, जिसमें आपको 4 का सेट मिल जाएगा पूरा और अलग अलग इसमें आप रैक में अलग अलग तरह की प्लेट रख के सर्व कर सकते हैं। ऑयल फिल्टर फ्रायर पॉट आपको बहुत बढ़िया सा मिल जाएगा, जिसमें आपको ये स्टेनर भी मिल जाएगा। अगर आप कुछ भी चीज़ फ्राई कर रहे हैं तो आप स्टेनर में रख के आराम से फ्राई कर सकते हैं, हैंडल भी इसमें लगा हुआ होता है तो आप इसे फ्राई करने के बाद अच्छे से पकड़ भी सकते हैं। सीरियल डिस्पेंसर आपको बहुत बढ़िया सा मिल जाएगा, रोटेटेबल वाला होता है और सब में आपको हर ब्लॉक्स में इसमें प्रेसिंग बटन दिया होता है, जिससे आप कुछ भी सामान भर के इसमें आराम से निकाल सकते हो। मेजरिंग कप के साथ आपको मिल जाएगा एंड इससे ना आप मेज़र भी कर सकते हो जो भी सामान निकालें। गार्लिक पीलर आपको बहुत बढ़िया सा सिलिकॉन का बना हुआ मिल जाएगा, आराम से आप इसमें गार्लिक वगैरह को काफ़ी अच्छे से पील कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से साफ भी हो जाता है। सो आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैंने डाल दी है। एंड यहाँ मैं आपको सॉस स्क्वीज़र दिखा रही हूँ, जैसे कुकिंग करने के टाइम आप सॉस वगैरह निकालते हो तो वो पूरा ही निकल आता है और बड़ी मुश्किल से निकलता है। सो आप ये स्क्वीज़र ले सकते हैं, जिसे आप आराम से ये बॉटल्स का में सॉस वगैरह भर के निकाल सकते हो। प्रेसिंग वाला होता है सो काफ़ी अच्छे से आप जितना चाहो उतना निकाल भी सकते हो।
बटर नाइफ आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी सारे मल्टी फंक्शनल की काम करती है और वुडन के बनी हुई होती है, तो आप इसे टेबल वेयर पे भी रख सकते हो। काफ़ी सारी वेजीज वगैरह कट कर सकते हैं, फल वगैरह कट करना चाहें तो आप कट कर सकते हैं। बटर वगैरह के लिए काफ़ी बढ़िया है छोटी सी नाइफ। आइस बॉल मेकर ट्रे आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी, जिसमें आप आइस बॉल बना सकते हो। यहाँ तक कि आप कलरफुल अगर फ्रूट्स रख के भी बनाना चाहो ना, तो आप इसमें आराम से बना सकते हो। एंड गाइज, यहाँ मैं आपको प्रेसिंग ट्रेस कैन दिखा रही हूँ। प्रेसिंग ट्रेस कैन है, बस इसे प्रेस करके आपको खोलना होता है, और इसमें आप छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, गंदगी वगैरह होती है, सो आप इसमें निकाल सकते हो। घर की टेबल वेयर पे रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। एंड गाइज, आपको स्केलियन कटर मिल जाएगा, जो कि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इससे आप वेजीज वगैरह को कट कर सकते हैं, जैसे बीन्स हो गया या फिर अनियन वगैरह हो गया, इससे आप काफ़ी अच्छे से कट कर सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में। और ये आपको स्टेनलेस स्टील का बना हुआ मिल जाएगा। स्मोकलेस प्यूरीफायर सैंड आपको दिखा रही हूँ, पूरी प्लेट आपको मिलेगी जिसमें सैंड होती है, प्यूरीफायर सैंड होती है। मतलब आप सिगरेट वगैरह अगर पीते हैं तो इसमें आप आराम से रख सकते हो। इससे धुआं भी नहीं होता है और खुशबू भी आती रहती है, सो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है। एंड यहाँ मैं आपको डस्ट प्रूफ पॉली बैग दिखा रही हूँ। ये बड़ी बड़ी आपको पॉली बैग मिल जाएंगी, जिसमें आपको स्टिक वाला भी सिस्टम मिल जाएगा। इसे आप अपने वॉल्स पे स्टिक करके आराम से बेड है, सोफ़ा है, इन सबको ढक के रख सकते हैं, जिससे कि ये सब गंदा भी नहीं होता है। और ये पॉली बैग आप इसे निकाल के दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डाल दिया। एक्सेल कटर आपको बहुत प्यारा सा मिल जाएगा, छोटा सा होता है, जिससे आप एग के सेल को काफ़ी आसानी से कट कर सकते हो, और बस इसे प्रेस करना होता है। काफ़ी आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं एग वगैरह के लिए। और यहाँ मैं आपको हैंगिंग ड्राइंग नेट दिखा रही हूँ, जो कि आपको दो के सेट में मिल जाएगी, और इसका लिंक भी मैंने डाल दिया है। छोटे छोटे जो बच्चों के कपड़े होते हैं, आप इसमें आराम से सुखा सकते हो। हैंगिंग वाला होता है, सो काफ़ी अच्छे से आप कहीं भी इसे टांग सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। और छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं, आप बच्चों के इस पर काफ़ी अच्छे से सुखा सकते हो। फोल्डिंग वाला है, सो आप इसे यूज़ करने के बाद आराम से रख सकते हो। एंड ब्रश का फोल्डर दिखा रही हूँ, ये आपको ब्रश का पूरा कप फोल्डर मिल जाएगा, जिसमें आप कप में ही ब्रश को फंसा के रख सकते हैं, और ये आपको कलर में भी मिल जाएगा। जी हाँ, यहाँ मैं आपको सिंक स्टेनर दिखा रही हूँ। ये फोल्डिंग सिंक स्टेनर है, जो कि आपको प्लास्टिक में मिल जाएगी। काफ़ी अच्छे से इसे पकड़ के आप सिंक वगैरह की जो गंदगी होती है उसे निकाल सकते हो, और इससे ना गंदगी सिंक के अंदर भी नहीं जाती, जिससे जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उससे वो नहीं होगा। टूथब्रश स्टैंड आपको बहुत प्यारा सा मिल जाएगा, इसे आप टूथब्रश या फिर टूथपेस्ट वगैरह आराम से फंसा के रख सकते हो। कैप भी इसमें दी हुई होती है, सो आप कैप वगैरह इसमें बंद कर सकते हैं। हेयर स्टॉपर आपको मिल जाएंगे, ये भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, जिससे पानी आराम से अंदर नाली में चला जाता है, और जो हेयर वगैरह जो होते हैं वो अंदर नहीं जाते हैं, गंदगी वगैरह भी नहीं जाएगी। डिस्पोजेबल ग्लव्स आपको मिल जाएगा, एंड ये बहुत बढ़िया सा होता है, जो कि आपको ट्रांसपेरेंट में मिल जाएगा, और इससे आप कपड़े वगैरह या फिर आप कुछ भी साफ़ सफाई कर रहे हो, बर्तन धुल रहे हो, किचन धुल रहे हो, तो आपको ये पहनने की ज़्यादा वो हेल्पफुल होगा। और काफ़ी बढ़िया सा होता है, जो कि मैंने लिंक भी डाल दिया है। मिनी वॉशिंग मशीन आपको मिल जाएगा, पोर्टेबल मिनी वॉशिंग मशीन है, जो कि आप टेबल वेयर पे रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। स्टेनर, इसमें आपको छोटी सी बास्केट दी होती है, उसमें आप कपड़े रख के आप आसानी से धुल सकते हो। हेयर ब्रश आपको मिल जाएगा, ये ऐसा वैसा हेयर ब्रश नहीं, इसमें पोर्टेबल वाला सिस्टम है, जो कि आप इसे लॉक एंड अनलॉक करके आराम से अपने हेयर्स वगैरह को निकाल सकते हो। और ये ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्टाइल, मतलब कि काफ़ी सारी डिज़ाइंस में भी मिल जाएगा। बाथरूम कॉर्नर ब्रश दिखा रही हूँ, जो कि आप बाथरूम का कॉर्नर, टाइल्स वगैरह या फिर सिंक वगैरह के जो कॉर्नर होते हैं, उसे आप आसानी से साफ़ कर सकते हो। काफ़ी हार्ड ये ब्रश होता है, सो ईज़िली से आप अपने घर की इससे साफ़ सफाई कर सकते हो। एंड गाइज, नाइफ क्लेवर आपको मिल जाएगा, ये पूरा आपको चाकू मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, जिसमें वुडन की लकड़ी का लगा हुआ होता है हैंडल, एंड इससे आप वेजीज वगैरह आसानी से कट कर सकते हो, चिकन वगैरह आप इससे कट कर सकते हो। स्टाइलिश हुक आपको दिखा रही हूँ, बहुत बढ़िया होते हैं, हैवी ड्यूटी वाले, सो आप इसमें कितनी भी हार्ड या फिर कितनी भी गरू सामान क्यों ना हो, आप इसमें टांग सकते हो। बस आपको इसे चिपकाना होता है वॉल पे, और आसानी से आप इसमें कुछ भी टांग सकते हो, जो कि आपको काफ़ी सारे कलरफुल मिल जाएंगे, और इसमें आपको डिज़ाइन भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जिसका लिंक भी मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप चाहें तो वहां से जाके परचेज़ भी कर सकते हैं।
एंड गाइज यहाँ मैं आपको क्लीनिंग पेपर दिखा रही हूँ, ये वाटरप्रूफ क्लीनिंग पेपर होता है जिससे आप गैस स्टोव, मिरर या फिर आपको कोई भी चीज़ें साफ़ करनी है किचन की तो आप इसे साफ़ कर सकते हो, और यूज़ करने के बाद इसे धुल के आप वापस भी रीयूज़ कर सकते हो। जैसे बर्तन वगैरह को धुलना है, सिंक हो गया आप उसे धुलना है, काफ़ी अच्छे से इसे क्लीन कर सकते हो। आपको ये पूरा बंडल सेट में मिल जाएगा, फ्लोर मैट आपको मिल जाएंगी, बहुत बढ़िया पेप्सी के शेप में आपको मिल जाएंगी। और अगर इनको आपको ख़रीदना है ना तो मैंने लिंक डाल दिया, आप वहाँ से जाके क्लिक करिए लिंक पे और आप ख़रीद सकते हो घर बैठे। यहाँ मैं आपको हैंगिंग कोर्ड्स दिखा रही हूँ, बहुत बढ़िया सा होता है जिसे आप चिपका के कहीं भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको कीज टांगना है, पर्स टांगना है, पर्स टांग सकते हो, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे क्लिप बोर्ड होते हैं ट्रे वगैरह में भी आप इसे लगा के काफ़ी अच्छे से खोल वगैरह सकते हो। एंड ये काफ़ी बढ़िया होता है जिसका भी लिंक मैंने डाल दिया है। केबल प्रोटेक्टर आपको मिल जाएगा, चार्जिंग पॉइंट जो होता है वो किनारे से जब कटने लगता है तो आप उसके लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए केबल प्रोटेक्टर ले सकते हो, जिसका लिंक मैंने डाल दिया है। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट भी रहता है जिसे आप चार्जर वगैरह को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सॉल्ट सेकर आपको बहुत बढ़िया सा मिल जाएगा, प्रेसिंग सॉल्ट सेकर है जिसे प्रेस करने पर आप सॉल्ट हो गया पेपर वगैरह आराम से निकाल सकते हो, और सर्विंग के लिए भी काफ़ी बढ़िया होता है, जितना मन चाहे आप उतना ही इसमें निकाल सकते हो। सो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल की नई वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।